जय छात्र स्वीकार स्वागत। और आज हम लोग जीए जीके की सीरीज विविध सामान्य दिन सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर हम लोग फटाफट अंदाज में 150 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जहां सबके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। ये सत्र के इस नए साल के वो मॉडल पेपर की सीरीज है जो आपके परीक्षा के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेगा, जहां जरूरत पड़े प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो प्रश्न बैंक है, जो आपके सवाल आते हैं, उन सबको एक एक करके फोकस करें और परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को आपके साथ साझा करें। पहला सवाल आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर, वैशाली, श्रावस्ती, सारनाथ। इस सवाल का जवाब आपको देना है जरूर कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे सवाल का जवाब सभी लोग दीजिएगा। कुशीनगर में, वैशाली में, श्रावस्ती में। अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, हम चाहेंगे आपके भी जवाब जरूर आए, क्योंकि आप सभी लोग इस सेशन में पढ़ रहे हैं, इस सेशन में बने हैं और ये प्रतिदिन सेशन आप लोग इस समय लाइव मिलती है और आप लोग जुड़े रहते हैं। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, सबका जवाब सही है कि वैशाली। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। तो फटाफट बताइएगा कि कितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब वैशाली दिया था। क्या आपने भी इस प्रश्न का उत्तर वैशाली दिया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है वैशाली और लोग जगह का भी नाम वैशाली है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग के मन में आए कि सर ये तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो जी हाँ, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आपको जानना जरूरी है। हम बढ़ते फिर से नए सवाल की तरफ फटाफट अंदाज में, जो आपके सामने आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? जी हाँ, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा ताकि लोगों तक पहुंचते। हमने वीडियो को शेयर कर दिया, अब आपकी बारी है शेयर करने की। ठीक है, हमने तो शेयर कर दिया, अब आपकी बारी फटाफट अंदाज है वीडियो को शेयर करने का। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके साथ इस प्रश्न की, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कीर्ति वर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय, अर्थात सवाल का सही उत्तर होगा डी। आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही दिया है और आप लोग इस प्रश्न में बने भी हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बताते रहिएगा और जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट करते चलिए, क्लास खत्म होने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा, गिरिब्रज। तो सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, सभी लोग फटाफट अंदाज में इस प्रश्न के जवाब जरूर दीजिएगा। जी, अगर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा, गिरिब्रज एकदम आसान सा सवाल है और इन सभी के उत्तर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब प्रश्न आसान है तो उत्तर भी आसान लगना चाहिए ना। एकदम सही आप लोगों ने बताया, वाराणसी इसका राइट आंसर है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला है कल्हड़ कृत राज तरंगणी, माने जो कल्हड़ की राज तरंगी है उसमें कितने तरंग हैं और यहाँ पर किन के बारे में, कहाँ के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। काफी यूनिक सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और हम चाहेंगे ऐसे सवालों पर आप अपनी पकड़ बनाए रखें और ऐसे सवालों के आप जवाब भी फटाफट अंदाज में देते रहे। हम वीडियो को एक बार शेयर करने का प्रयास करते हैं और आप भी इस प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। 8, 10, 11, 9, तो भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आगे हम लोग इसको और फटाफट अंदाज में लेकर चलेंगे। इसलिए जो भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, वे जवाब देते चलें और आगे भी बढ़ते रहें। ठीक है, यहां पर 8 होगा। कल्हड़ के जो राजतरंगी में कितने तरंग थे, यहां पर 8 होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल आपके सामने है महाबलीपुरम, इतिहास के सवाल है कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नंदी वर्मन द्वारा, महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ फटाफट अंदाज में देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी, जी हाँ एकदम सही आप लोगों ने जवाब भी दिया है सभी मित्रों ने, लेकिन इस प्रश्न के भी उत्तर भी बता दे चलिए। अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वारा शीर्ष प्रश्न का सही जवाब, जो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिएगा, ऐसे सवाल परीक्षा में हो सकता है, जो आपकी परीक्षा होने जा रही उसमें सीधा सीधा पूछ लें, इसलिए ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। अगला है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल है, तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन से थी। जी हाँ, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो पंजाब का, ये वालों के जवाब यहाँ पे सही है कि दधेरी जो परवर्ती हड़प्पन परास्थल है वो पंजाब से का है। ऋग्वैदिक धर्म था,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, ऋग्वेदिक काल की बात करें, एकेश्वरवादी था, निर्वित मार्गी था, अद्वैतवादी था, बहुदेववादी था, सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं, उन सबको इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब भी जरूर दे चुके होंगे। तो फटाफट अंदाज में बताते रहिए और वीडियो को फटाफट अंदाज में लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा सर्वेक्षण लेना है और ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जान दे, बहुदेववादी मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? डी। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि? अभी तक जो प्रश्न नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ा, ये प्राचीन इतिहास के सवाल थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये मध्यकालीन इतिहास के सवाल है, और ये भी सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, इनकी महत्वपूर्णता आप खुद भी जानते होंगे और आपके साथी मित्र भी इस बात से काफी हद तक परिचित होंगे। चलिए, यहां पर अगर प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो यहां पर होगा मशहूर, मनोहर, दौलत, विषम दास। आपका जवाब क्या है बताइए? जी हाँ, अनुप जी ने एकदम सही जवाब दिया है, मंशूर, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपके सामने मिलान करने वाले सवाल है, ऐसे प्रश्न आजकल तो परीक्षा में खूब ज्यादा ट्रेंड में है, यू कह ट्रेंड में है। गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पनहो, तक्षशिलालेख। अगर तक्षशिलालेख की बात करें तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ये तक्षशिलालेख। अगर हम बात करें तो यह है आपका पातिक। मिलिंद पनहो की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, ये मेनेंडर की है। गांधार कला की अगर हम बात करें, जो गांधार कला है वो कुषाणों की है, और बच्चा क्या जूनागढ़ का जो शिलालेख है रुद्रदामन प्रथम की है। तो जितने भी साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बताइए जरा, आप लोग फटाफट कमेंट करें आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है। जी हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाती है डेली, जैसे क्लास खत्म होती है इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर तुरंत मिल जाती है। तो जो भी साथी को टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिला होगा, जाके एक बार रीचेक कर लें। और फेसबुक पेज इलोनी विद दुर्गेश पर सारे प्रश्नों की जो इसकी स्क्रीनशॉट होती है वो क्लास समाप्ति के बाद डाल दी जाती है, आप जाए क्रम से वहां पर खोल सकते हैं। अगला चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जरा कमेंट कर बताइएगा जनपद जौनपुर से कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं भी जनपद जौनपुर से हूं और मुझे भी इस बात का गर्व है, और आपको भी गर्व होना चाहिए। आपको अपने जनपद से, जिन जनपदों से हैं, अब उसकी विशेषता भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो वैसे आप बताइए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट करें, जरा बताएं कि आप जनपद जौनपुर से कितने ऐसे लोग हैं जो सीरीज को, सेशन को जनपद जौनपुर से देख रहे हैं। फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा सभी साथी, क्योंकि अभी की बार हर हाल में नौकरी हमारे, बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब सभी के आने चाहिए, गलत हो सही हो, लेकिन जब जवाब देंगे तभी समझ में आएगा हाँ यार ये पढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। सबका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना? देखिए मैं शेयर करने का काम कर रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा सर कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं बीच बीच में, देखिए शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। कितनी भी मेहनत हम कर लें, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक पढ़ाना भी मेरा कहीं ना कहीं है कि कितनी भी मेहनत कर लिया जाए। आसान सवाल है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरा काम है बताने का, भाई हम तो बताएंगे ही बताएंगे। चलिए, तो अब मेरा काम है बताने का, हम चलते हैं इसके बताने, इस प्रश्न की तरफ ही चलते हैं। हुसैन शाह सरकी, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा हुसैन शाह। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दे दिया है इसका मतलब आपका उत्तर पूरी तरह से सही है, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सत्य और सही थे। चलिए, आप लोगों को थैंक यू, आप लोग क्लास में जुड़े रहें और शेयर करते रहें। अब हम और आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने फटाफट अंदाज में चलेंगे। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? बहुत बार सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कौन किसी के शासनकाल में आया है, लेकिन अब आपसे जो यहां पर पूछा जा रहा है ना वो यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों में से जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था। तो यहां पर है निकोलो मंचोली, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, फादर एंथोनी मंसरेट और फ्रक्वायस वर्नियर। तो कुछ लोगों को नाम लग रहा होगा यार मैंने पहली बार सुना है, कुछ लोग को लग रहा होगा यार अभी मैंने सुना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फ्रांसिस्को पल्सर्ट, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका? बी है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। 1303 में काकती शासकों की सेना में निम्न में किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? सभी जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 12 का, जो भी साथी देख रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, अल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी को, बलबन को। सभी जवाब दीजिएगा फटाफट अंदाज में। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपके जवाब यहां पे पूरी तरह से सही थे। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित व्यक्ति में किसने इरविन तथा महात्मा गांधी को
दो महात्मा कहा था, मीरा बहन, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जे एल नेहरू, सभी सभी जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा सी, सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं को पढ़े, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी, गांधी इरविल समझौता। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इन घटनाओं को क्रम से हमें सजाना है और हम चाहते हैं कि आप इन सभी घटनाओं को सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर सही क्रम की बात करें तो ये पहले पर आ जाएगा, ये दूसरे पर आ जाएगा और ये तीसरे पर, माने गांधी इरविल समझौता, राजगुरु जी को फांसी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 3-2-1। अगर ए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने लगाया है तो इस सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत मतलब जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद। कूट में से आपको जवाब देना जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने हिस्सा लिया, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, लेकिन मौलाना आजाद ने नहीं लिया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1-2-3, 1-2-3 यहाँ पर है। सवाल का सही उत्तर क्या होगा, डी। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर डी जवाब दिए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही और सत्य है। जरा कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों को साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अगला है, वह प्रांत जहां 1937 से आम निर्वाचन में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ वो क्या था, बंबई, बिहार, असम, ओडिशा। सभी सारे जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सही होगा, असम। अगला सवाल है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जेपी नारायण तथा जेएल नेहरू, जेएल नेहरू तथा महात्मा गांधी, जेपी नारायण, एससी बोस, आचार्य नरेंद्र देव तथा जेपी नारायण। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण तथा सवाल का सही जवाब होगा आपका डी। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। जी अनूप जी ने बताया 12 नंबर 1930, 7 नंबर 1931, 17 नंबर 1932 सही जवाब था आपका। अगला आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों सवाल जो आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले में देख रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास रख लीजिएगा। मौलाना आजाद, जेएल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, 18 के जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, अच्छा एक सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके। एकदम सही जवाब आया आपका महात्मा गांधी। यहाँ पे देखिए समय भी चल रहा होगा इस वीडियो लेक्चर में ताकि आपको ये भी पता चले कितने समय में कितने सेकंड में आपने सवालों के जवाब दिए हैं। भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कौन किया था ये भी जवाब दीजिएगा। भूदान आंदोलन अप्रैल 1951, अप्रैल 1952, दिसंबर 1950, मार्च 1950। तो यहाँ पर सभी लोग को जवाब देना है भूदान आंदोलन शुरुआत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा भूदान आंदोलन का संबंध किससे, विनोबा भावे को आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रश्न में बने रहे, इस वीडियो में बने रहे और सवालों के जवाब झोला भर भर के देते रहे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही बताया आपने, अप्रैल 1951 ए वालों के जवाब यहाँ पर सही है। जय प्रिया जी ने सही जवाब दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं आपके साथ। अगला सवाल आपके सामने, सुमेलित करना प्रश्न नंबर 20 को सभी को मिलाना है। यहाँ पे प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, MAMU, तो सभी लोग फटाफट बताइएगा। MAU की बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, डी का अगर हम बात करें तो सर सैयद अहमद खाओगे, मतलब पहला ही आपको यहाँ पे मिल गया। अगर हम सी की बात सत्य शोधक समाज तो ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण मिशन की बात करें प्रश्न नंबर बी की अगर हम बात करें तो विवेकानंद, प्रार्थना समाज गोभी दरानाड़े। अब आपको इस प्रश्न के हिसाब से, इसके विकल्प के हिसाब से अब आपको बताना होगा कि किसका कौन सा विकल्प सही होगा। और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि ऐसी सीरीज है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, यहीं से कभी कूट वाले सवाल। जी हाँ, विनोबा भावे सही जवाब है आपका, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो आपके जवाब सही है। अगला है सुमेलित करना है, फिर से आपको ध्यान से देखना होगा और बताना होगा कि ब्रह्म समाज, मानव धर्म समाज, आर्य समाज, नदवा उल उलमा। अगर नदवा उल उलमा की बात करें तो यहाँ पर अब ये लखनऊ ही होगा। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी मुंबई में हुआ था, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करें मानव धर्म समाज, ब्रह्म समाज, तो जो ब्रह्म समाज है ये कलकत्ता, तो जो बचा मानव धर्म समाज वो हो गया दूसरा, मतलब यहाँ पर हो गया डी। अब देखिए मानव धर्म समाज सूरत में कहाँ पर इसका विकल्प है, इसका विकल्प आपको मिल गया डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया है तो आपके जवाब सही है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। अगला है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है,
लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर जी, सभी साथी जवाब देंगे, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जी हम अभी कमेंट भी देख ले रहे हैं, जहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, कौन सा, यहाँ पे देखिए कुछ विद्रोह है, उन विद्रोह को आपको मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा आप लोग, संथाल सही है, कोल भी सही है, खांसी सही है, अहोम यहाँ पे गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से आपके साथ एक नया सवाल, एक नए प्रश्न की तरफ। अगला है, फिर से सुमेलित करना होगा आप लोग को, यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सूची को मिलान करना है, एम एस अंसारी, पी डी टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, वहां पर उनका संबंध बनाना है। तो सभी साथी जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यहां पर इनका होगा कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस का हरि हो गया। सरोजिनी नायडू अगर हम बात करें तो यह है कानपुर से संबंध, डॉक्टर एम अंसारी, पी डी टंडन जो है वो है नासिक से, तो बच्चे कौन, डॉक्टर एम ए अंसारी, ये हो गया आपके मद्रास से। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का विकल्प होगा पी एस अंसारी, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब यहां पर सही है। अगला आपके सामने, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता। अभी तक हम लोगों ने जो 24 प्रश्न पढ़े थे ये इतिहास के सवाल थे, अब हम लोग जो प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं ये भूगोल के सवाल है, ठीक है। यहां पे भूगोल के सवाल को भी आपको पढ़ना है और सभी को जवाब यहां पर देना है। किस स्थान को स्थानीय समय को दर्शाता है, हमारा जो जीएमटी से प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक, कहां से, जीएमटी से, तो कहां से गुजरता है ये, प्रयागराज के नैनी से, कभी कभी भदोही भी दिखता है, ठीक, कहीं मिर्जापुर आता है, तो ये विकल्प अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ता है। वैसे क्या है, प्रयागराज का नैनी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। अब भारत के उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा बनाइए। सभी लोग जवाब देंगे, ये प्रश्न हमने पढ़ाया है और उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे। यह नोट्स के संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप बात करके, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहां से ज्योग्राफी शुरू है। अगर हमें त्रिसंधि की बात करें, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरा दें कि आप लोग को आवाज आ रही है साहब ना। देखिए यहाँ पे भारत हो गया, चीन हो गया और म्यांमार, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा, डी। माने उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देश हैं, भारत है, चीन है, म्यांमार है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के पास जो त्रिसंधि बन रही है ये उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अगला है सवाल आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये भी एकदम नोट्स मिल जाएगा, मतलब जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये पूरे इलानी विद दुर्गेश के नोट्स में आप चाहे तो पढ़ ले, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है जो इलानी विद दुर्गेश के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 27 के जवाब सभी साथियों को देना है यहाँ पर कि धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, दिल्ली श्रेणी गलत, शिमला स्पीति गलत, नल्ला मलाई श्रेणी भी गलत है, तो चित्रदुर्ग और शिमोगा, यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका, शिमोगा। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु क्या है, मोस्ट टाइम पे सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया, कई बार सरल सवाल की कैटेगरी में आता है, कई बार कठिन सवाल में आता है, शिवालिक, नीलगिरी, सह्याद्री, अन्नामलाई। मेरा सवाल ये है कि सह्याद्री किसे कहते हैं, बताइए सह्याद्री श्रेणी किसे कहा जाता है, अनुप जी जवाब दीजिएगा, प्रिया जी जवाब दीजिएगा, ठीक है, जो वीडियो को देख रहे हैं वो जवाब दीजिएगा, नरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अन्नामलाई। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, अन्नामलाई, मतलब भारत के दक्षिण भारत का जो पठार सर्वोच्च जो बिंदु है ना उसे हम अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न, नए सवाल की तरफ। अगला आपके सामने, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, सभी साथी जवाब देंगे कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, एक प्रवाल भित्ति के लिए, मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सी। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, ब्रह्मपुत्र नदी का सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, यह परिवर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदी का है, प्रत्यावर्ती नदी का है, अध्यारोपित नदी है। देखिए अगर आपने मैंने ब्रह्मपुत्र नदी को मैंने पढ़ाया है और यह शांगपो के नाम से इसका उद्गम होता है और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के पास से प्रवेश करती है देहांग घाट से, जहां इसके बाद इसका देहांग नदी के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए ये कौन सी ऐसी नदी, क्योंकि ये हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, इसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। यह बात आप लोग जानते रहेगा और उम्मीद करते हैं सभी लोग जानते होंगे, ठीक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं फिर से आपके साथ नए सेशन, नए प्रश्न, नए सवाल की तरफ। अगला है,
लिंग स्थानों पर भागीरथी अलकनंदा मिलने पर कौन सी नदी बना। वैसे मैंने पांचों प्रयाग पढ़ाए, अगर आप नोट्स में जाएंगे लेनी भी दुर्गेश के, तो आप पांचों प्रयाग आपको पढ़ाए हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये चार प्रयाग हो गए। पांचवा प्रयाग क्या है कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कुल पांच प्रयाग है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। लेकिन भागीरथी अलकनंदा की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, देव प्रयाग होगा। ठीक है, किस प्रयाग के बाद गंगा नामकरण होता है, मैंने गंगा नदी का गंगा नामकरण किस प्रयाग के बाद होता है, कमेंट करके जवाब दीजिए। वैसे जल्दी हम आपके लिए एक सीरीज और शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम कोशिश करेंगे सभी विषयों को लिए फटाफट अंदाज में शेषानव सीरीज लेकर आए। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने है। यहां पर खेतड़ी, चित्तौड़गढ़, कोरापुट, कराची, एल्युमिनियम उद्योग, ताबा उद्योग, भारतीय मशीनरी उद्योग, सीमेंट उद्योग, सभी साथी फटाफट अंदाज में जाएंगे और जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, जितने लोग भी देख रहे हैं, खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है ताबा उद्योग के लिए। कई बार परीक्षा में सवाल एक लाइन में यही पूछा जाता है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा खेतड़ी ताबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चित्तौड़गढ़ है, अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, जरा फटाफट कमेंट करिएगा, तो चित्तौड़गढ़ जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगर कराची की बात करें, भैया कराची, कोरापुट किसके लिए है, तो जो कराची है ना वो हमारे भारतीय मशीनरी उद्योग के लिए है। ठीक है, कराची की बात करें तो कोरापुट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो यहां पर अब आप बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होने वाला है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तब कोरापुट एल्युमिनियम, मैंने सी का एक यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा एक बार कमेंट करें कितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर। ठीक है, अगला है आपके सामने, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं, जवाब सभी लोग को देना जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, अंगामी, अरुणाचल प्रदेश, अमातामी, देखिए ये जनजातियां हैं, गोंड मध्य प्रदेश में है, भेटिया सिक्किम में है। ठीक है, और अमातामी ये भी है अरुणाचल, देखिए अंगामी नहीं है, देखिए ये जनजाति, ये क्या है आपकी जनजाति है। ठीक है, तो ये भेटिया जनजाति पूछा जाता है, भेटिया है। ठीक है, सिक्किम में दो प्रमुख जनजातियां हैं, तो मैं इन जनजातियों से मिला भी हूं सिक्किम में अपने यात्रा के दौरान। ये निशुल्क क्लास आप सभी के लिए, देशित में राष्ट्रित में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए यहाँ पर श्रीहरिकोटा, थुम्बा, भाभा एटॉमिक सेंटर, पोखरण, और यहाँ पर उनका एक तरह से देखा जाए सम्मिलित स्थान जो जुड़ा हुआ है वो है, या यूं कह सकते हैं, जरा सिविल फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए और जवाब दें। देखिए श्रीहरिकोटा क्या है, आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक सेंटर कर्नाटक, गलत, पोखरण राजस्थान, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। माने जो गलत है वही यहाँ पर आपका सही है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, और किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा। जरा कमेंट करिएगा मेरी आवाज साफ आ रही है कि नहीं, जितने लोग वीडियो में लाइव है बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके कि मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है साफ कि नहीं। अगला है, ब्लैक होल का निर्माण होता है, देखिए ब्लैक होल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सभी लोग फटाफट बताइएगा कि ब्लैक होल का निर्माण होता है कैसे, सभी साथी जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा में ज्वालामुखी विस्फोट से, गलत, दो तारों को आपस में टकराने से, उल्का पिंडों का टकराने से, यह भी गलत, अत्यधिक, तो यह तारों को भी नहीं होगा, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। आपको पता है ना सूरज भी एक समय आएगा कि खत्म हो जाएगा, माने मतलब पूरे दुनिया जिसे कहा जाता है मृत अटल सत्य है, वैसे तरह सूर्य चंद्रमा भी कभी नहीं रहेंगे, ये सत्य है। इसलिए लाइफ में एकदम खुल के रहना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कल को क्या होगा, कौन देखेगा कि नहीं देखेगा, कल होगा भी कि नहीं होगा, कि सबका कल होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो यह सारी चीजें से ब्लैक होल जो है ये बताती है, ये सिद्ध करती है कि सूर्य भी कभी नहीं रहेगा, सूर्य भी कभी ब्लैक होल बन जाएगा, और जिस समय सूर्य में विस्फोट होगा उस समय पृथ्वी भी ना रहेगी। जब हम इसकी थ्योरी आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी की, जब हम इस पर चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे, सेशन लेंगे कभी, तो उसमें हम आपको एकदम पूरा तोड़ तोड़ कर इन चीजों को पढ़ाएंगे, तोड़ तोड़ कर इन चीजों को हम आपको जरूर बताएंगे। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन से है, ओजोन छिद्र है, कृष्ण इंद्र है, इंद्रधनुष है, धूमकेतु, मतलब तारों के कारण इसमें कौन सी घटना घटती है, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। ब्लैक होल को और किस नाम से जाना जाता है, तारों के कारण जो घटना घटती है, सूर्य एक तारा है, तो तारों की वजह से क्या होता है, ब्लैक होल है। जो ब्लैक होल घटना है किसकी वजह से है, तारों के कारण है। यहां पे हम लोगों ने देखा कि तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ने से, आप लोगों ने यहां पे देखा कि तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ने से, और यहां पर अगर हम बात करें ओजोन छिद्र, ये हमारे वजह से होता है पृथ्वी पर, और इंद्रधनुष जो होता है ये वर्षा की वजह से, ठीक है, और धूमकेतु जो होता है ये तो ब्रह्मांड में है, लेकिन जो कृष्ण छेद होता है, कृष्ण विवर जो होता है, इसे ही हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं।
ये सब इलेनी विद दुर्गेश नोट्स में आपको ऐसे मिल जाएगा, आपने अगर पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी। तो कुछ लोग धूमकेतु जानते हैं कृष्ण बीवर हिंदी में, और ब्लैक होल जो है ना वो अंग्रेजी में, ठीक, इसे कृष्ण बीवर भी कहते हैं। कुछ लोग कहीं किताब में आप मिलेंगे, कहीं प्रश्न बैंक और पढ़ेंगे तो आप कृष्ण बीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ में आया आप लोग को ना। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं सुमेलित वाले बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं और ये ट्रेंडिंग वाले सवाल होते हैं, मैं बार बार आपसे कहा हूं। देखिए क्वीलैंड लोहा इस्पात सही है, डेट्रॉयट कहां पे है, ये कहां पे बताए, डेट्रॉयट बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि डेट्रॉयट का संबंध जो वहां के एक भौगोलिक क्षेत्र से भी है, इसलिए डेट्रॉयट बहुत ज्यादा पूछा जाता है मोटर गाड़ियों के लिए। मेसांबिक रेंज कोयला क्षेत्र, यही आपका गलत है। फिलाडेल्फिया पोतनवाड़, ये भी सही है। तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिलाडेल्फिया है, डेट्रॉयट है, ये तो इतना मतलब रट लीजिए कि पूछा जाता है, ठीक, इतना मतलब इतना तैयार हो जाइए। अब पूछा स्वर्ण द्वारका नगर है, स्वर्ण द्वारका नगर कहा जाता है, पेरिस को, एम्स्टर्डम को, मुंबई को, सैन फ्रांसिस्को को, किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वर्ण द्वारका नगर, सभी लोग जवाब दीजिएगा, स्वर्ण द्वारका नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगला है, किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। सभी साथी जवाब दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। आप जानते हैं ये भी आपके सिलेबस में से, मैंने कई बार आपसे मानचित्र पढ़ाने का वादा किया लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जल्दी मैं आपके लिए ये सेशन एक सीरीज जरूर शुरू करूं। आप इसलिए इस प्रश्न का सबसे जो सही जवाब है वो है आपका यूरोप, मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, बी। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, 20%, 25%, 13%, 10%, 40 से जवाब सभी लोग दीजिएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ये फैक्ट है आपके लिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, 13। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, परसेंट। निम्नलिखित किस में देशों की संख्या अधिकतम, ये बहुत ही यूनिक सवाल है, मैं चाहूंगा इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अनुप जी का जवाब आ गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके जवाब में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, मैं सर जो भी अनुप जी हैं आप सही करिए उसको। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, मेरा सवाल आपसे, इसे काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न पर 42 की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी बहुत नहीं वाला बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। प्रेरी जो प्रेरी घास के मैदान, ये सब घास के मैदान है, और आप लोगों को मैं बार बार कहूंगा टेलीग्राम पे सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, जहां पे सभी क्लास की नोट्स वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्रेरिज उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, बेल्ड ऑस्ट्रेलिया, बेल्ड नहीं है यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टेपीज यूरोप यहाँ पे सही है, इसलिए गलत आपका सी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी है। तो जरा कॉमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए बेल्ड कहाँ का है और ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला निम्न में से किसमें पर्वतों का सागर कहा जाता है, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, सभी सही जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, दक्षिण अमेरिका का तट, तो यहां पर ब्रिटिश कोलंबिया ए। धान की उत्पत्ति कहां हुई थी, बहुत ही यूनिक सवाल, मतलब इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा कि पूछा जाता है धान की उत्पत्ति कहां हुई थी, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी सही जवाब दीजिएगा। हाँ वेल्ड साउथ अफ्रीका सही जवाब अनुप जी ने दिया है, दक्षिण पूर्व एशिया ए इस प्रश्न का सही जवाब है धान का। कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, नदी है और प्रमुख स्थल है, बर्लिन, स्प्री, सिडनी शेन गलत, न्यूयॉर्क हडसन प्रसिद्ध है, खार्तूनम नील सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर बी। कौन सा सर्वाधिक गहरा महासागरी गर्त, तो यहां पर है मेरियाना ट्रेंच 11,005 मीटर, कहीं किसी किताब में लिखा रहता है 11,022 मीटर। सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, ठीक। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। जरा बताइए फटाफट, आवाज आ रही है मेरी ना, सबके नाम नहीं ले पा रहे, कुछ लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, बताइए सभी लोग, अवजी तो आ रही है ना, सुना तक नहीं, शेयर कहते हैं। अगला, भारत की सिंचाई क्षमता का लगभग
50% पूरा होता है लघु परियोजना से, बृहत परियोजना से, मध्यम परियोजना से, लघु एवं बृहत परियोजनाओं से। 47,000 सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो में बने हैं, लघु और बृहत परियोजना दोनों से मिलाकर। निम्न अधो भूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी रूपांतरित जड़ है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शकरकंद, बंडा, आलू, जिमीकंद। तो हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम नहीं सुना, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा, तो जिमीकंद इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? लीची, बेर, चेरी, उपरोक्त सभी। फलों का फटना तो लीची में भी है, बेर में भी है, चेरी में भी। इस प्रश्न के उत्तर क्या महत्वपूर्ण समस्या है? डी की। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 50 का बताइए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अरहर यहां पर देखिए, अरहर उसकी नाम है, तो मूंगफली, चंद्रा, सरसों, मसूर, अरहर, ये नहीं होगा। इस प्रश्न का गलत है, जो वही सही है। प्रश्न नंबर 36 समझ में नहीं आया तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा श्वेता जी। प्रश्न नंबर अगर आपको 36 समझ में नहीं आया है, अच्छा देखिए, जो कृष्ण वीवर होता है, ब्लैक होल जो होता है, वो तारों के कारण घटित होता है। जब तारा कोई ध्वस्त होता है तो उस कारण ही कृष्ण वीवर का निर्माण होता है, कृष्ण छेद का निर्माण होता है, उससे ब्लैक होल बनता है। इसकी थ्योरी जब पढ़ाएंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी ये हम बहुत बेगल भी पढ़ रहे हो, फटाफट अंदाज में पढ़ा रहे हैं, 150 प्रश्न होते हैं तो बड़ा वीडियो बाद बन जाता है, तो कोई पढ़ता भी नहीं और देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर है मटर की पत्ती विहीन जो जाति है, अर्केल, आजाद मटर वंश, देखिए अपर्णा है। सी, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के लिए जवाब देना चाहिए। हार्टिकल्चर है, ओलेरी कल्चर है, सिल्वी कल्चर है, वेजिटेबल कल्चर है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर ये कृषि एग्रीकल्चर के सवाल थे, ठीक है, तो यहाँ पे ओलेरी कल्चर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है आपकी परीक्षाओं में। बी वाला जवाब सही है। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, कब बंद हुई, ये जवाब जरूर दीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी और कब बंद हुई थी, सभी सदस्य जवाब देंगे। 1947, 1949, ये दोनों तो गलत हो गया। अब आपके पास 50, 51 दो विकल्प है, तो यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, सभी लोग जवाब देते रहिएगा, सही है ना, 1951 में। किस वर्ष तक, देखिए इकोनॉमिक्स के सवाल है, यहां से देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू हो चुकी है पंचवर्षीय योजना से। किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 trillion तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? सभी से जवाब दीजिएगा, 2024। देखिए ये करंट का भी सवाल है, इसे सीए भी कह सकते हैं हम, सीए का मतलब यहां हमारा करंट होता है, करंट लिख दिया करंट। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रमिक दर अधिकतम थी, अनाजों में, फल सब्जी में, दलहन तिलहन, अन्य फसलों में, जवाब दीजिएगा। तो दसवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, कमेंट करें जवाब दीजिएगा, दलहन एवं तिलहन द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, 56 का जवाब सभी साथी, सभी मित्र जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। उद्योगों का विकास अधिकरण रणनीति का जो योजना की शुरुआत हुई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। बी वाले जवाब यहाँ पे सही है, ये पंचवर्षीय योजना आपको ई-लर्निंग पे दुर्गेश के नोट्स में पूरा पूरा मिल जाएगा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से, परिवार की आय से, लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की सदस्य संख्या से। यदि अलग अलग समिति अलग अलग द्वारा दी गई है तो ये सदस्यों की संख्या से तो गलत हो गया, लोगों के जीवन स्तर से गलत हो गया। एक परिवार की आय पर व्यक्ति इनकम से भी दी गई है और कैलोरी से दी गई है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहली बात यहाँ पर कैलोरी से है, इसलिए ए है। अलग अलग समितियां हैं, अलग अलग इन्होंने दिया है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था के सेशन हम लोग पढ़ेंगे तब हम इसके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे आपका, ठीक है। ये भी फटाफट अंदाज हम लोग को पढ़ना है। कौन सा मानव विकास सूचकांक, इसे हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, माने जीवन जीने की अधिकतम क्षमता होती है। जैसे मैं यहाँ पर सवाल भी बताना चाहूंगा कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा होती है, तो बहुत सारे वीडियो को महिला भी देख रहे हैं और पुरुष भी देख रहे हैं, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि कैसे महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं, क्यों, क्या ऐसे कारण है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो महिलाओं को ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा क्यों जीती हैं, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे देशों में कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज्यादा होती है, उसे कई कथनों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप ये जरूर बताइएगा। तो जीवन प्रत्याशा जो होती है, जीवन प्रत्याशा तब अच्छी होगी
जब जहां पे हॉस्पिटलिटी अच्छी होगी, माने स्वास्थ्य सेवा अच्छी होगी, तो यह हो गया। मतलब मानव विकास सूचकांक की बात करें कि किसी भी देश को हम विकसित देश कब कहते हैं, जहां पे हॉस्पिटलिटी अच्छी हो, मतलब ये होगा। जहां पे वास्तविक प्रति व्यक्ति इनकम अच्छी हो, भैया जहां सबको रोजगार मिले, सब पैसे खूब आए, खूब सारे उद्योग लगे हों, ठीक है। उसके बाद दूसरा, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना लोग साक्षर हैं, तब प्रौढ़ साक्षरता। लेकिन सामाजिक असमानता इसका कारण नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। ये इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण है और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है एसडीआई। और एसडीआई के जनक की अगर मैं बात करूं तो आप जरूर जवाब दीजिएगा कि एसडीआई का जनक कौन कहा जाता है, ठीक है, या एसडीआई का जो पैमाना है ना एचडीआई, ये किसने इजाद किया है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है, राजनियंत्रण, न्यास पर, प्रतिस्पर्धा पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो 59 का जवाब सभी साथी मित्र दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं, तो यह किस पर है, न्यास पर, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं कुटीर उद्योग की बात इन्होंने की है, तो सबको समझ में आ गया जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। 12वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि दर होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी, ये कब मानी गई है, ये 5 वर्षों में। मैं चाहूंगा ऐसे सवाल जिसमें मैं आपका समय कम से कम चाहूंगा, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखते चलिएगा। अगला है, किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा, मतलब 3 अवकाश रहे, 1 नहीं है, वही आपको जवाब देना है कौन सा नहीं रहा है, ठीक है। मैं चाहूंगा सभी लोग जवाब दीजिएगा 3, ये तब आप पढ़ेंगे जब आपको पूरी पंचवर्षीय योजना रटी हो, जैसे 67-68 में रहा, नहीं रहा ना, रहा है, 66-67 में रहा है, 68-69 में नहीं रहा है, लेकिन 65-66 में नहीं रहा है। किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा है, तो अवकाश जो रहा है 65-66 में रहा है, किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा है, तो यहां पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा अवकाश नहीं रहा है, वह है आपका 65-66, ठीक। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। अच्छा, प्रचंड बेरोजगारी में अगर चाहूं तो समझाना, तो कितने लोग हैं जरा बताइए कमेंट करके, मैं प्रचंड बेरोजगारी को आपको समझाना चाहूंगा। जैसे एक खेत है, ठीक है, अब इस खेत में मान लीजिए 40 लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 40 लोग काम कर रहे हैं, अगर 40 में से इसमें से 10 लोग को निकाल दिया जाए, 30 लोग, अगर इस खेत में 30 लोग को काम पे लगा दिया जाए, क्या इसके उत्पादन में कोई कमी आएगी, जरा कमेंट कर बताइएगा। 40 जगह हम 38 लोग से काम करवाएं, 30 लोग से काम करवाएं, 35 लोग से काम करवाएं, 28 लोग से काम करवाएं, तो क्या इसके उत्पादन में कोई प्रभाव पड़ेगा, बस काम ज्यादा दिन तक चलेगा, जो काम 3 दिन में खत्म होना था 4 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकता है, लेकिन क्या इसके उत्पादन में कोई प्रभाव पड़ेगा, कमेंट कर बताइए। लेकिन उद्योग क्षेत्र में है, व्यापार में है, सेवा क्षेत्र में है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एग्रीकल्चर, उसके प्रभाव, इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है, तो मैं चाहूंगा सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। देखिए, ONGC, भेल, सेल, ये सब महारत्न है, महारत्न है, लेकिन SRIL नहीं है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। सब लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख ले, क्या सबको समझ में आ गया, या कोई ऐसा भी जिसको समझ में ना आया हो। एक अप्रासंगिक है, सभी सवाल का जवाब जरूर दे देंगे, इकोनॉमिक्स का टर्म है, सेक्शंस है, BSE है, निफ्टी, मतलब कौन इसमें से अलग है, तो सैम अलग है, ठीक है। ये सभी क्या है, शेयर है, स्टॉक एक्सचेंज, सेक्शंस, निफ्टी, BSE, ठीक है, लेकिन सैम्स नहीं है, तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप कर लेंगे, एक बार अगर आपने पढ़ा होगा ना तो कर ले जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं है। भारत में हाल ही में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, चलैया समिति, नरसिंहन समिति, मल्होत्रा समिति, अर्जुन सेन गुप्ता समिति, तो यहां पर होगा चलैया समिति। भारत में रुपयों का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, 1966, 1900,
1997 मतलब 1997 होना चाहिए था, 1949 में। सी, समझ में आ रहा सबको? कचरू भाग गए क्या? पढ़ते पढ़ते अगला है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित हुआ? जुलाई 1956, सितंबर 1960, अक्टूबर 1962, सितंबर 1964। 67 जवाब सभी लोग दीजिएगा। सितंबर 1967, ठीक है। अब यहां से जो भारतीय दिवस था वो आपका समाप्त हुआ। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं भारतीय संविधान में आप लोग जुड़े होंगे और पढ़ेंगे, जवाब भी देंगे। यहां पर है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, सभी लोग बताइएगा। देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात कीजिए तो जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि किसके प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। पिछली कक्षा में भी हमने इसके चर्चा की है, तो जरा कमेंट करके बताइए जो लोग इस सेशन में लाइव बने हैं। अनुप जी, श्वेता जी, प्रिया जी, नरेंद्र जी, सभी लोग जवाब दीजिएगा। मोनू जी, जो लोग भी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं ना, वे जवाब जरूर दें, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बताइए, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है राज्यसभा से, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अगर यहां पे भाग देगा तब, अगर अनुच्छेद देता तब, देखिए भाग की जगह अगर देखिए एक यहां पे पूछता है भाग, दूसरा सवाल पूछता है अनुच्छेद से, अगर दूसरा टॉपिक पूछता है अनुच्छेद से, और यहां पर तीसरा भी पूछता है, तो यहां पे आप सबको जवाब देना इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे यहां पर क्या होगा, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य का। अगर इस विकल्प में उद्देशिका ना होता, अगर इस विकल्प में उद्देशिका ना होता तब हम इसको उत्तर लगाते मूल अधिकार। अगर भाग की बात की जाए तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर होता है भाग 3, लेकिन उस समय यह विकल्प में नहीं होना चाहिए उद्देशिका। अगर उद्देशिका भी विकल्प में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देशिका को ही लगाएंगे, ठीक। यह बात रट लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद की बात करें, इसमें अनुच्छेद जो होता है 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसे अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर शब्द अगर आ जाए तो संविधान, किसने कहा था यह, अंबेडकर जी ने, ठीक। मूल कर्तव्य का कोई सवाल ही नहीं है। तो यह मूल अधिकार, ये तीनों संविधान की आत्मा हृदय कहलाती। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की के अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा था। लेकिन अगर खाली आत्मा की बात आ जाए तो संविधान की उद्देशिका है, और पाठ की बात करें, भाग की बात करें तो मूल अधिकार। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर मूल अधिकार भी हो सकता था, भाग 3 भी हो सकता था। अगर विकल्प में उद्देशिका ना होती तो हम भाग 3 को सही करते, यह बात याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कि जैसे कई लोग होते हैं कि सर आपने तो यही बताया था, तो हमें अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का उपयोग करें। इसलिए कहते हैं ना कि ब्रॉड सोचा करें, जितना ब्रॉड सोचेंगे जितना ज्यादा आप रहेंगे बल्कि उतना बेहतर आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। और जैसे होगा, जैसे जब प्रश्न में होते हैं तो वहां पर हमें अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो जितना बढ़िया प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करेंगे उतना बेहतर सवालों के जवाब देंगे। कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, आपको जवाब देना है, गोवा, पुदुचेरी, दिल्ली। तो यहां पर आप जवाब सभी लोग दे लेंगे कि जो गोवा है यह एक राज्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है तो जवाब सही है। अगला है, भारतीय संविधान अंगीकृत और निरूपित की गई, जिसको याद होगा हम भारत के लोग, भारत के संप्रभुता संबंध समाजवादी पंद्रह, जिसको पूरी प्रस्तावना याद होगी ना वो यहाँ पे कर लेगा। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रम, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जवाब भी दीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, 30, 40, 50, 60। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो होनी चाहिए 50। तो सी यहां पर प्रश्न का सही जवाब है। हम और आगे चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ दिया गया कथन और कारण, मैं चाहूंगा इस प्रश्न के जवाब सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, यह सही है। राष्ट्रपति की शक्तियां कोई सीमा नहीं है, यह गलत है। सीमा नहीं है, यह गलत है। मतलब यहां पर ए सही है लेकिन हाँ गलत है। संविधान में सभी के दायरे हैं, सभी की सीमा निश्चित की गई है, ठीक। अगला है सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई, निम्नलिखित में किसके बारे में
संसदीय समिति गठित नहीं की गई, आकलनों के बारे में, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में सभी जवाब देंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, संसदीय समिति का गठन आकलनों के बारे में किया गया है, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में किया गया है, सरकारी आश्वासनों के बारे में किया गया, लेकिन अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं किया गया। इसका भारतीय संविधान में पूरी तरह से जिक्र है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना है। सभी साथी प्रश्न का जवाब जरूर दे सकते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। अनुच्छेद 268 से 281, मतलब सी वाला जवाब यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके जवाब पूरी तरह से सही। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सामने, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह राज्यों के जो क्रम है उनमें अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। हरियाणा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गलत है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा डी। संविधान किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? इक्विलिटी का प्रावधान कहां पर है? जरा सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं। अनुच्छेद 14 में, ठीक है। अगला, संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 14। तो 78 नंबर सवाल के सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। 300 पान पंचायतें की बात की, याद रखिएगा ये 9, भाग 9। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4, 2, 6, 3, 9। देखिए, इसका योग भी 9 आएगा, 4, 2, 6, 3, 9। अनुच्छेद 243 किस राज्यों के, इसमें 1967-1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है, बताइए। सभी से जवाब दीजिएगा, यहां पर बिहार, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन, राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः प्रस्तावित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? सभी सही जवाब देंगे जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं। राज्यपाल की संस्तुति से, अगर केंद्र का होता तो राष्ट्रपति होता, ठीक। अगला है, घुर्ती तरंगों को कब पहली बार देखा गया? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सितंबर 2015। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती? अब हम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिक ग्राम सभी लोग दीजिएगा, ध्वनि ग्राम, टिक। अगला है, तारत्व पिच है जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों बताइए? अब कैंसर हरा तो हरा दिखाई देगा। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है, गलत। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। आ रहा समझ में कि नहीं? अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, जरा बताइए फटाफट कमेंट करें कौन सुमेलित नहीं है। पायरीन, अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा, फ्रेयान, प्रशीतक, फुलेरीन। यही आपका नहीं है, फुलेरीन युक्त बहुलक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी। आईडीएक्स का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आईडीएक्स का आविष्कार किसने किया? हैनिंग के द्वारा। इन सब के स्क्रीनशॉट देखकर ये प्रश्न अगर आपके नजर के एग्जाम बार आए रहेंगे ना, तो दोबारा जब आपको करना होगा तब इसे आसानी से कर लेंगे, ठीक। भारत में भारी जल बनाया, भारी जल क्या है? D2O बनाया जाता है ट्रांबे, दिल्ली, असोम, भिलाई, बताइए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ट्रांबे में किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है? GPS का फुल फॉर्म क्या होगा? सही जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का फुल फॉर्म है, ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। कौन सा पदार्थ मजबूत होता है? पीतल, स्टील, जर्मन सिल्वर, ग्राफीन, जवाब दीजिएगा ग्राफीन। अगला, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है? रेयान, टेरिकॉट, नायलॉन, पॉलिएस्टर, इस पिछले क्लास में इस पर डिस्कस किया था, रेयान। कथनों में कौन सा सत्य है, जरा बताइए सभी साथी। आरडीएक्स एक स्फोटक है, DDT एक रोगाणुनाशक है, गलत। TNT एक कीटनाशक है, गलत। SLD विषाणु नहीं है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, आज के सेशन में हम लोगों ने भी पढ़ा है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? नाइट्रेट है, अमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हमने पर्यावरण के सिलसिले में पढ़ाया है, तो होगा नाइट्रेट।
पेट्रोलियम एक मिश्रण कार्बोनेट का, हाइड्रोकार्बन का, कार्बाइडो का, कार्बोहाइड्रेटों का? सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का, हाइड्रोकार्बनों का। यहाँ पे आपके सामने एक सवाल, इसका जवाब देना है आप लोग को, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, मैंने कई बार आप लोग को बताया, जो लोग नए आ रहे हैं वो जुड़ते जाएंगे। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल, अचार, एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर, कार्बोनिक अम्ल, सेब, मौलिक अम्ल। ठीक, इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा, एसिटिक अम्ल, अचार, बी। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, जवाब सभी लोग दीजिएगा, 5000 डिग्री सेल्सियस। धातुओं की द्युतीय का कारण क्या है, परमाणु घनी पैकिंग के कारण, उच्च घन तो गलत, उच्च पालिश गलत, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन, सी। यहां पे फिर से सही जोड़ा आपको बनाना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट सही जोड़ा बनाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस ढलाई का कार्य, जियोलाइट पानी का मृदुकरण, अल्ट्रामरीन्स धुलाई का कार्य, कार्बोडम कांच को काटना। इस सारे प्रश्न का उत्तर होगा, डी का एक, जियोलाइट ढलाई करना, बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन। कई बार आप लोगों ने पढ़ा इसको, अमोनिया, साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, गोबर, नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, यूरिया। नील हरित शैवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, वैसे जो पूरी सेशन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए सभी लोग। अमरूद सरल फल है, आम अष्टी फल है, अनार शोषी फल है, सूरजमुखी संपूट है, ये गलत है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग के प्रकाश संरक्षण किया जाता है, कुछ फफूदों द्वारा, वृक्षों के द्वारा, कवकों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अदृश्य भाग के प्रकाश संरक्षण किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब डी। अगला है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है, बताइए सभी लोग, केवल महिलाओं में, छोटे बच्चों में, ड्रग्स नशेड़ियों में, वृद्धों में, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। छोटे बच्चों में, कुछ समुद्री जंतुओं कीटे अंधेरे शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, बायोलुमिनेस, फास्फोरेंस, ए और बी, इसमें से कोई नहीं, ए, रट लीजिएगा बहुत पूछा जाता है। ठीक, किसी कोई दिक्कत, इंसुलिन होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, स्टेराइड, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, सोडियम फ्लोराइड क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा, कैल्शियम फास्फेट, बीस प्रश्न का सही जवाब है। एक प्रश्न बैंक की सीरीज आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न का जवाब सभी लोग जरूर बता लेंगे कि कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा सही नहीं है, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, माल्टोज, एस्कार्बिक अम्ल, सभी सही जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जवाब दीजिए फटाफट। एस्कार्बिक अम्ल नींबू सही है, माल्टोज माल्ट सही है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दही गलत है, ए हो गया।
बीएमडी का परीक्षण पूर्ण रूप क्या है, मतलब बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है, अभी ये पूछ रहा है कि बीएमडी का जो फुल फॉर्म है क्या है, बोन मैरो डिफेंसेस, बोन मिनरल डेंसिटी, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ रहे हैं फिर से आपके साथ अगले सवाल की तरफ। मानव शरीर का भार होता है विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक, ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर, सब जगह समान। तो जवाब जरूर दीजिएगा, सभी लोग काफी यूनिक प्रश्न है, शायद ये प्रश्न कुछ लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा, मैंने बताया ना कि लेकिन नोट संबंधी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो ध्रुवों पर अधिकतम, ये कई बार सवाल आपकी परीक्षा में आता है, कई इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखते हैं या साइंस रखते हैं सामान्य विज्ञान फिजिक्स के टर्म में। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचाने हेतु, चिरकालिक मधुमेह, प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ने से, हृदय घात से। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी हृदय घात। उत्तर दक्षिण गलियारे तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये यूपी स्पेशल के सवाल है और ये भी आपके सिलेबस में, मैं चाहूंगा इसके भी जवाब दीजिएगा, झांसी में रट लीजिएगा, ये ऑनलाइन सेशन में हमने पढ़ाया है। अगला है आपके सामने, शायद आपके दिख रहा होगा, चोरक है, फिरोजाबाद है, खेल का सामान अलीगढ़ है, मिलाना है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसको आसानी से मिला लेंगे। चोरक फिरोजाबाद तब तो जानते हैं चूड़ियों के लिए है, अलीगढ़ आपका ताला नगरी हो गया, चुरक हो गया सीमेंट, मेरठ हो गया खेल का सामान। इस प्रश्न इसका उत्तर होगा सी, सभी को पता होगा यूपी स्पेशल का सवाल ये। अगला है फिर से आपको मिलान करना, यूपी स्पेशल ही है और सभी लोग यूपी स्पेशल का जवाब जरूर दीजिएगा इसका। सीमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए सभी फटाफट कमेंट करके। फर्नीचर जो है सहारनपुर होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सीमेंट जो होगा आपका ये चोर को होगा, कागज लुगदी, बरेली की बात करें हम, यहां पर ये प्रश्न में थोड़ा सा कुछ इरर है, वैसे जो कागज है चुरक में भी है, सीमेंट आपका कानपुर में भी होता है, फर्नीचर सहारनपुर हो गया कास्ट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक बरेली हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुछ हद तक हम लेते हैं बरेली। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना विकल्प सही टाइप नहीं है, इसको हम लोग स्टार लगाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू अकादमी का स्थापना की गई थी, उर्दू अकादमी का स्थापना की गई थी, सभी लोग जवाब दीजिएगा, 72 में, 50 में, 47 में, 62 में, तो यहाँ पर होगा 1972 में। कल्प योजना संबंधित है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, कल्प योजना का संबंध किससे है, प्राविधिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, तो प्राथमिक शिक्षा से, बेसिक एजुकेशन से। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको जवाब देना है, जोश मलिहाबाद, जिगर, गोरखपुर, गालिब आगरा, अमीर खुसरो पटियाली, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा किसका संबंध कहां से है, जोश का मलिहाबाद, गालिब आगरा, अमीर खुसरो पटियाली, जिगर का संबंध गोरखपुर से नहीं है। जनसंख्या वृद्धि वाले शीर्ष राज्य में कौन सा शामिल नहीं है, देखिए जनसंख्या से जुड़ा हुआ सवाल आपके सिलेबस में है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड नहीं है, मतलब डी। अगला है, ऐसी जनसंख्या प्राय किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो, सकल अल्प जनसंख्या, सापेक्षिक जनाधिक के, सकल जनाधिक के, सापेक्षिक अल्प जनसंख्या, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा सकल जनाधिक के, मतलब सी वालों जवाब यहाँ पर सही है। अगला है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे सेशन में बने हैं। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, एकदम याद रखिएगा, आपके साथ जिले से भी यहाँ की जनसंख्या कम है,
अगला सवाल है आपके सामने, या आज के टॉप के जो सवाल हैं, यहाँ पे आप समाप्त होंगे। 120 प्रश्नों की सीरीज होती है। आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े रहेगा। यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधी जानकारी लिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ और देख रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। सभी साथी, देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या जनगणना 2011 के आधार पर तो यहाँ पर होगा 16.5%। सी वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। यहाँ पर है किस सामुदायिक मुद्दा तीसरा बड़ा स्थान है, तो यहाँ पर सिख का सबसे तीसरा बड़ा स्थान है। इसलिए आज का जो 120 प्रश्न के महत्वपूर्ण सेशन था, मॉडल पेपर की सीरीज थी, वहाँ पे समाप्त होती है। फिर से हम एक नए सेशन पे कल इसी समय मिलेंगे। तो कल आप लोग इसी टाइम से लाइव रहिएगा और अपने सभी मित्रों को बता के रखिएगा कि क्लास कितने बजे आपकी लाइव होनी है, ठीक है। और क्लास के अंत तक बने रहिएगा, जितने लोग बने हैं उस लोग वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहिएगा, क्योंकि एक लंबी सेशन चली है और एक लंबा प्रश्न बैंक हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, लाइक, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैंने आपको पहले बताया कि टेलीग्राम पे आप लोग जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम इसकी पीडीएफ हर क्लास की तुरंत आपको मिल जाएगी। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा। और कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, सभी का थैंक यू, बाय बाय।